Hello everyone, welcome back to my channel and thank you so much for watching my videos. क्योंकि आप लोगों का इतना अच्छा response आ रहा है videos में, बहुत अच्छे अच्छे comments आ रहे हैं and ऐसे ऐसे जगहों से comment आ रहे हैं कि मुझे believe नहीं हो रहा है. आज सुबह ही एक comment आया एस हार्डले का अमेरिका से. बहुत अच्छे artist हैं वो and डिम्पली बीन, आई डोंट नो वो कहाँ से हैं बट वो इतनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं. जो आप हॉरर मूवीज़ देखते हो या हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हो जिसमें वो बहुत मतलब डेंजर डेंजर जो मेकअप होते हैं ना, वो मेकअप करती हैं. तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. यहाँ पर थोड़ी मस्ती भी चल रही है तो जिसको भी वीडियोज़ अच्छे लगें तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसे हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और किस तरह के वीडियो मैं और ज़्यादा अपलोड करूं. और यहाँ पर हम आ गए अपने मेकअप की तरफ. तो अभी जो मैं लगा रही हूँ ये है रोज़ हिप सीरम, जो है गुड वाइब्स का. ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा किसी भी स्टोर में, ये मिलेगा purple.com में. बट बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. और थोड़ा सा ग्लोई मेकअप आ जाता है इससे लगाने के बाद, केकी के साथ नहीं लगता है जैसे फाउंडेशन के बाद ड्राई पैचेस आते हैं, वैसा नहीं लगता. और यहाँ पर मैंने लिया है अगेन मेलियो का प्राइमर. लोग सोचेंगे कि मेलियो का एक ही लगाती है यार, थोड़ा सा अफोर्डेबल होता है, डेली में बहुत ज़्यादा अच्छे कॉस्मेटिक नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है. मेरी कोई यूट्यूब से अर्निंग नहीं हो रही है. बट हाँ, आगे चल के अगर आप लोगों का रिक्वेस्ट आया कि इस प्रोडक्ट का रिव्यू करिए तो मैं ज़रूर मंगाऊंगी. एंड यहाँ मैंने लिया है क्लेमे का जो बेस मेकअप का पैलेट होता है, इसमें हाइलाइटर, कंटूरिंग एंड यहाँ पर कंसीलर सब कुछ ही है. तो ये देखिए इसमें कितने सारे शेड्स हैं, लाइट टू डार्क. और ब्राउन शेड दिया है हाइलाइटिंग के लिए, थोड़ा सा रस्टी कलर भी दिया. तो यहाँ मैंने येलो कलर का जो शेड दिख रहा था आपको, मैंने वो अप्लाई किया है एज अ फाउंडेशन बेस मेकअप. तो ये देखिए मैंने येलो कलर का जो था, मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा मैच कर जाता है, थोड़ा सा क्या बहुत ही ज़्यादा मैच करता है, तो ज़्यादा अलग अलग सा ना लेकिन नेचुरल लगे, तो मैंने वैसा ही लिया है. इसको मैंने पूरे फेस पे लगा लिया है अपनी फिंगर्स की हेल्प से. आप चाहो तो इसे ब्यूटी ब्लेंडर से भी लगा सकते हो जो फ्लैट वाले आते हैं. फिर देखिए मैंने एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और बहुत ही स्मूथली हो जाता है, देख रहे हो आप. बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि बहुत मेहनत करनी लगी ब्लेंड करने में, इसलिए मुझे ब्रश ज़्यादा अच्छा लगता है. ब्लेंडिंग जो स्पंज आते हैं उससे थोड़ा सा, ब्यूटी ब्लेंडर जो आते हैं उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है मुझे. हो सकता है आप लोग कर लो. और यहाँ पर ये हो गया मेरा कंप्लीट. अब इसके बाद मैंने फिर से लिया है थोड़ा सा इससे लाइटर शेड ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए, फेस शाइनिंग आ जाए चेहरे पर. जो पहले लगाया था उससे थोड़ा सा ही लाइटर शेड है, बहुत ज़्यादा मतलब लाइट नहीं लिया है कि अलग से दिखे कि हाँ बहुत ज़्यादा वाइट वाइट दिखने लगे, वैसा नहीं लगेगा. मैंने पूरे फेस पे आइज़ के नीचे ज़्यादा लगाया था क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा मुझे डार्क लग रहा था, डार्क सर्कल्स की शायद प्रॉब्लम हो रही है. तो यहाँ पर मैंने उसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है सेम ब्रश की हेल्प से. एंड ये बेस मेकअप हो गया मेरा कंप्लीट फेस का. आप लोग देख रहे होगे, पता तो चल ही रहा है कि हाँ कितना मेकअप लगा लिया मैंने. नॉर्मली मैंने ऐसा यूज़ नहीं करती. और यहाँ पर मैंने आईज़ के ऊपर लगाया स्टिक कुर्की का कंसीलर. जब आप आई मेकअप करो थोड़ा सा ड्रामेटिक अगर करना है तो
कंसीलर जरूर लगाएं, क्योंकि उससे जो हम आई शेडोज अप्लाई करते हैं वो अलग से उभर के आते हैं। या मुझे छोटा वाला ब्यूटी ब्लेंडर नहीं मिला तो मैंने सेम ब्रश की हेल्प से आई के ऊपर भी ब्लेंड कर लिया। आप लोग फिंगर टिप्स से या ब्यूटी ब्लेंडर से ही करिएगा, जो लोग मेकअप करना जानते हैं वो तो देख ही रहे होंगे, बट कोई ना, चलता है। और यहाँ मेरा बेस मेकअप हो गया कंप्लीट। अब आई है बारी आईज मेकअप की, तो मैंने आई मेकअप यहाँ पर नहीं डाला है और ये मैंने आई मेकअप कर लिया है, तो इसका मैं वीडियो अलग से अपलोड करूँगी। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़्यादा आएंगे तो आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइएगा, दिख तो रहा ही है आई मेकअप कैसा लग रहा है और इसका मैं वीडियो अपलोड करूँ या नहीं, देखते हैं कैसे कमेंट आते हैं। तो मैंने यहाँ पर फेस पाउडर भी लगा लिया था, बट थोड़ा सा मुझे डार्क लग रहा है तो मैंने यहाँ पर हाइलाइटर लगाया ताकि ये जो डार्कनेस है वो थोड़ी सी छुप जाए एंड थोड़ा सा आई के नीचे हाईलाइट हो जाए। तो मैंने सेम पैलेट में जो हाइलाइटर दिया था मैंने उससे हाइलाइटर से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। देखिए आई के नीचे शाइनिंग सी आ गई है। अब ये मैंने फिर से उसको सेट करने के लिए फेस पाउडर लगा दिया है। आप मैंने यहाँ पर जो फेस पाउडर लगाया वो लैक्मे का था मेरा पैलेट, और आप जो भी चाहो आपके पास जो हो वो लगा सकते हो, बस स्किन टोन में मैच करना चाहिए। मेरा मेकअप कंप्लीट होने वाला है, बस एक स्टेप और। मैंने अच्छे से पूरा सेट कर लिया अपना मेकअप। अब यहाँ पर आई है बारी हाइलाइटर की, तो यहाँ पर मैंने हाइलाइटर लगा लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी फेस इतना शाइन कर रहा है, बट मुझे इस वाले हाइलाइटर से जो मेरे पैलेट में हाइलाइटर दिया हुआ है वो ज़्यादा बेटर लगा आइज़ के नीचे जो मैंने लगाया था। और ये मैंने गोल्डन हाइलाइटर लगाया है, इस वजह से ज़्यादा शाइन नहीं कर रहा है, और जो सिल्वर कलर का होता है ना वो ज़्यादा शाइन करता है। अब यहाँ पर जो मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ ये लिप क्रियोन है NYP की, बहुत अच्छी लिप क्रियोन निकली, अमेजिंग। मुझे ये जो मैंने प्रोडक्ट खरीदे थे उसमें एज अ मतलब फ्री में जो प्रोडक्ट आ जाता है वो भेजा गया था, बट बहुत अच्छा निकला, तो मैं अगेन इसको ऑर्डर करूँगी। और ये मेरा फुल मेकअप हो गया कंप्लीट। तो किसी किसी ये मेकअप पसंद आया जल्दी से कम कम करके ज़रूर बताइए, एंड आई मेकअप स्पेशली किसे किसे पसंद आया वो ज़रूर बताइएगा कि मैं आगे आई मेकअप का वीडियो अपलोड करूं और आगे मेकअप वीडियो शूट करूं या नहीं करूं, और करूं तो किस तरीके के करूं आप लोग सजेस्ट करिएगा। और बहुत सारे लोग मुझे वीडियोस के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, इस पे वीडियो बनाइए इस पे वीडियो बनाइए, तो मैं बहुत जल्दी एक दो तो दिन में ही उनके वीडियोज़ अपलोड कर दूँगी जिसमें रिक्वेस्ट आई है। एंड थैंक यू सो मच, आप हमारे वीडियोज़ देख रहे हो, बहुत खुशी होती है कि जब मुझे कमेंट्स आते हैं अच्छे अच्छे और फॉरेन से आ रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ये मेरा फाइनल लुक है, तो